गाइस तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप लोग को जो एपीएन सेटिंग बताने वाला हूँ, ये एपीएन सेटिंग से गाइस आप लोग को डाउनलोडिंग स्पीड प्लस अपलोडिंग स्पीड दोनों की दोनों गाइस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मिलने वाली है और बहुत ही ज्यादा फास्ट मिलने वाली है। और ये एपीएन सेटिंग गाइस आपके हर एक सिम पर काम करने वाला है, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, देखते रहिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक। सो हे व्हाट्स अप गाइस, इट्स मी समीर उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग द इनसेन सैम यूट्यूब चैनल। सो जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो आप लोग को सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। और गाइस मोबाइल की सेटिंग में आ जाने के बाद आप लोगों को सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क वाला है जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। फिर आप लोग गाइस यहां पर कोई सा भी एक सिम कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको गाइस ये एक्सेस पॉइंट नेम्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको ये न्यू एपीएन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे गाइस आपको क्लिक कर लेना है। तो आपको कुछ ऐसा गाइस इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और इस फॉर्म में मैं जैसा बोलूंगा गाइस सेम टू सेम वैसा ही आपको भी फिलअप कर लेना है। गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये ऑप्शन मिल जाता है नेम का, तो आपको आ जाना है ये सबसे पहले ये नेम वाले ऑप्शन पर। और नेम वाले ऑप्शन में गाइस आपको लिखना क्या है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर गाइस आपको फिलअप करना है सुपर नेट 4G, सेम टू सेम गाइस जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही लिखना है, कोई भी आपको गाइस मिस्टेक नहीं करनी। सुपर का S कैपिटल, नेट का N कैपिटल और 4G का आपको G जो है वो डेफिनेटली कैपिटल में ही फिलअप कर लेना है। तो ये हो चुका नेम। नेम के बाद गाइस आपको सेकंड में ऑप्शन मिलेगा APN का, तो APN में थोड़ा गाइस आपको ध्यान से भरना है। APN में गाइस जैसा कि मैं अपने जियो का सिम यूज कर रहा हूँ तो मैं APN में लिखूंगा जियो 4G। अगर आप लोग एयरटेल का यूज कर रहे हैं तो आप लोग लिखेंगे airtelgprs.com। अगर आप लोग वोडाफोन का यूज कर रहे हैं तो आप लोग लिखेंगे वोडाफोन इंटरनेट। और अगर आप लोग आइडिया का यूज कर रहे हैं तो आप लोग लिखेंगे आइडिया 4G। तो ये हो चुका गाइज। अब आपको प्रॉक्सी को नॉट सेट रहने देना है, पोर्ट को भी नॉट सेट रहने देना है। इसके बाद गाइज आपको ये जो यूजर नेम का ऑप्शन है इसमें आ जाना है। और यूजर नेम के गाइज ऑप्शन में आपको लिखना क्या है तो मैं बता देता हूँ गाइज। यहाँ पर आपको फिलअप करना है सुपर नेट 4G। और ध्यान देने वाली बात गाइज ये है यूजर नेम में कि आपको यूजर नेम में गाइज सारे के सारे जो करेक्टर हैं उसको स्मॉल लेटर में ही फिलअप करने हैं। और यहाँ पर गाइज आपको कोई भी स्पेस नहीं देना। अब इसके नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पासवर्ड का, तो पासवर्ड को नॉट सेट। अब इसके बाद सर्वर, तो सर्वर में आना है और आपको गाइस सर्वर में फिलअप करना है www.google.com। सेम टू सेम गाइस ऐसा ही फिलअप करिएगा, आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। www.google.com गाइस आपको लिख लेना है सर्वर में। अब सर्वर के नीचे गाइस आपको ऑप्शन मिलेगा MMSC, MMS प्रॉक्सी एंड MMS पोर्ट। तो ये तीनों MMS वाले ऑप्शन को गाइस आपको नॉट सेट ही रहने देना है। अब इसके नीचे गाइस आपको दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग्स देखने को मिलेंगी, MCC एंड MNC। तो गाइस इस ऑप्शन को आपको एकदम भी छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि ये आपके एरिया का कोड होता है। अगर आप लोग इसे छेड़छाड़ करते हैं तो आपकी इंटरनेट स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। अब आना है ऑथेंटिकेशन टाइप में, और यहां पर गाइस आपको पैप और चैप लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके नीचे गाइस आपको APN टाइप का ऑप्शन मिलेगा, तो APN टाइप में गाइस आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना, ये आपके फोन में जैसा है कुछ भी लिखा है वैसे ही छोड़ दीजिएगा। अब APN टाइप के नीचे गाइस आपको ऑप्शन मिल जाता है APN प्रोटोकॉल का, तो APN प्रोटोकॉल में गाइस आप लोग जैसा कि लास्ट वाला ऑप्शन देख पा रहे हैं IPv4/IPv6, ये आपके फोन में सेलेक्ट होना चाहिए। अब APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी गाइस आपको सेम ऑप्शन ही सेलेक्ट कर लेना है IPv4/IPv6। अब इसको भी गाइस आपको सेव कर लेना है। तो इसके नीचे गाइस आपको ऑप्शन मिल जाता है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग जो कि है बेरर। बेरर में आने के बाद गाइस आपको अनस्पेसिफाइड को पहले अनटिक कर लेना है, और उसके बाद गाइस आपके फोन में जितने भी बेरर हैं सारे के सारे बेरर को आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपको एक भी बेरर को छोड़ना नहीं है। और गाइस आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जो अनस्पेसिफाइड है इसको आप लोग पहले ही अनटिक कर लीजिएगा। और बहुत सारे मोबाइल फोन्स में एक से ज्यादा बेरर सेलेक्ट नहीं हो पाते, तो सिर्फ आप लोग LTE के ही ऑप्शन पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फोन गाइस मल्टीपल बेरर सेलेक्ट कर ले रहा है तो इतने बेरर आपको सेलेक्ट करने जरूरी हैं। गाइज बेरर के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है एमवीरो टाइप का, तो एमवीरो टाइप में भी गाइज आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना, ये आपके फोन में जैसा है वैसा ही आपको छोड़ देना है। अब इसके नीचे गाइज आपको बॉटम साइड में मोर का बटन दिखेगा, मोर के बटन पे क्लिक करके इस APN सेटिंग को गाइज आपको सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद आपको टॉप साइड में गाइज देखने को मिल जाएगा सुपर नेट 4G। आपको कुछ भी नहीं करना, बस इसको गाइज यहाँ पर टैप कर देना है और ये APN एक्टिवेट हो जाएगा। गाइज APN सेटिंग को करने के बाद आप लोग को अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट भी जरूर से कर लेना है, क्योंकि अगर आप लोग अपने फोन को रीस्टार्ट करते हैं तो इससे APN सेटिंग का जो इंटरनेट स्पीड है वो और भी ज्यादा गाइस आपको फास्ट मिल जाएगी। तो अब दिखाते हैं इस APN सेटिंग से मिलने वाली बहुत ही ज्यादा फास्ट इंटरनेट स्पीड। सो मैं आ चुका हूं स्पीड टेस्ट ऐप में, और यहां पर गाइस आप लोग देख पा रहे हैं कि इस APN सेटिंग गाइस आपको डाउनलोडिंग स्पीड प्लस अपलोडिंग स्पीड इस APN सेटिंग से बहुत ही ज्यादा फास्ट इंटरनेट स्पीड देखने को मिल जाता है।
सो इस एपीएन सेटिंग को गाइज आप लोग जरूर से ट्राई कर लीजिएगा। गाइज तो यही थी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गाइज आप लोग जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज आप लोग कर क्या रहे हैं, किस बात की देरी है, जल्दी से दबाएं सब्सक्राइब के बटन को, साथ में दबाएं उस बेल आइकन को। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो के साथ। द इनसेन आर्मी, एंजॉय।